पिंकी डोगरा, आपको ये बटन स्टिचिंग कैसे किए जाते हैं ये बताऊंगी। एक्चुअली लेडीज जो है सुई का इस्तेमाल करती है, पर मैंने इसमें जो है सिलाइयों द्वारा ही, जैसे हम सिलाइयों में ये पटिया बुनते हैं तो साथ साथ मैंने इसे बुन लिया है, इससे यह पक्के भी रहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं इसमें अगर लेडीजों ने मुझे ये कहा कि साइड पॉकेट जेब कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में भी एक आसान ट्रिक बताऊंगी। और तीसरा मैं ये बताऊंगी, जो मैंने मोंडे जोड़े हुए हैं, ये मोंडे जो मैंने एक सिलाई में बुना और उसके लिए मैंने ऊपर से जो है जॉइंट करना, मैं बताऊंगी। इसमें मैंने धागे का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, मैंने एक के ऊपर दूसरा धागा, दूसरा कुंडा लिया है, दूसरे के ऊपर तीसरा कुंडा ट्रांसफर करते हुए मैं इधर को आई हूँ, इससे ये पक्का जुड़ता है। दूसरा ये धागे की विधि बताती हूँ। जैसे धागा जो ये रहता है, ये धागा जो है ये सेंटर से निकालना चाहिए, सेंटर से निकालने के लिए हमें ये दिया होता है हमारे लिए, इसे धागा जो है अच्छा रहता है, और ये ना इधर दाएँ घूमता है ना बाएँ घूमता है, ये ठीक रहता है। अगर हम इस तरह से, अगर धागे का गलत इस्तेमाल यहाँ से होता है, अगर हम धागा यहाँ से यूज़ करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये पलटता रहता है, ठीक है ये। और जो ये है रॉन्ग विधि ये है हमारी, और जो हमारा जो ये राइट है, तो ये धागा हमारा यहाँ से रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको आफ्टर 2 मिनट्स। मैंने आपको कहा था मैं चैट करना बताऊँगी। ये जो सिलाई में है क्रोशिया का इस्तेमाल करना है, और हमने जो है बटन के इस तरह से खींचते हुए ले जाना है। ये देखिए सबसे आसान ट्रिक्स है ये, और फिर सिलाई में ट्रांसफ़र कर देना है उसी कुंडे को, ना बड़ा है हमारा ना ही हमारा ये घटा है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको बुन लेंगे, और देखिए और ये हमारा पक्का हो गया है। इतना भाग है जो है मैंने 5 कुंडे जो मैंने उल्टे लिए हुए हैं, अब ये इससे हमारा माइनस होता रहेगा। ये पॉकेट्स की विधि है ना, हर बारी में ये मतलब माइनस होता रहेगा आपका। और सेम जितने कुंडे हमारे यहाँ पर है 20 है, तो 20 पीछे से लेके मैंने बुन लिया है। अब मैं इसको कंबाइन करना बताऊँगी, यहाँ से मैंने माइनस कर दिया है, ठीक। हम